हेलो गाइस, दिस इज योर अनुपम सर गिविंग यू केमिस्ट्री शॉट। आज तुम्हें शॉट मिलने वाला है NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर का विद दिस मॉडल, सो गेट रेडी फॉर दिस। और ये जो हमारा रेवोल्यूशन, एजुकेशन रेवोल्यूशन, वी हैव बीन कंटिन्यूइंग फॉर ओवर 1 year एंड यू कैन शेयर दिस एजुकेशन रेवोल्यूशन बाय यूजिंग द हैशटैग JLiveDaily। एंड गाइज, आई हैव डन BTech एंड MTech फ्रॉम IIT दिल्ली, और अभी तक तुमने अगर मेरे लास्ट ईयर के लेक्चर्स जो है वो नहीं देखे हैं तो तुम यहाँ पर जाके देख सकते हो tinyurl.com/jmobile। I'll make you fall in love with chemistry। और हमारे जो इस ईयर के लेक्चर हैं JEE 2.0, वो तुम Unacademy JEE प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके देख सकते हो रेगुलरली। और जल्दी से अगर तुमने सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो जल्दी से दबा दो, अगर तुम नहीं दबा रहे हो तो ये तुम्हारा गुनाह है। वी आर गिविंग यू द बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन इन इंडिया। एंड अगर तुम्हें अपनी 100% IIT JEE की प्रिपरेशन करनी है, यू कैन कम टू द Unacademy प्लेटफॉर्म, जहां पर हम तुम्हें टेस्ट सीरीज देते हैं, क्विज देते हैं, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन देते हैं, along with the live classes with your top online educators, including some quota faculties, which are the top faculties there. So guys, you do use this code ANUPAMLIVE if you are planning to take Unacademy subscription, and it is the best platform right now to prepare for IIT JEE. So let's look at this. जो NaCl होता है हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर NaCl जो होता है खाने के अंदर ना डालें, ठीक है, तो मजा ही नहीं आता खाने का। सो NaCl अगर हम देखें यार, इस तरह का माइक्रोस्कोपिक जो है उसका स्ट्रक्चर होता है। और अगर हम फर्दर इसके स्ट्रक्चर के अंदर जाए तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, Na+ एंड Cl- आयंस, जो कि कुछ इस तरीके से हमारे पास अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। सो इस स्ट्रक्चर के अंदर जो क्लोराइड आयंस होते हैं हमारे पास, ठीक है, ये जो क्लोराइड आयंस प्रेजेंट होते हैं, दीज आर एट द कॉर्नर्स एज वेल एज द फेस सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। देखो यहाँ पर ये क्या है, फेस, ठीक है, ये क्यूब है, ठीक है, क्यूबिक यूनिट सेल के फेस पे ये वाला हमारे पास क्लोराइड आयन लाया कर रहा है, साथ में कॉर्नर पे लाया कर रहा है। अगर हम सोडियम आयन को देखें तो सोडियम आयन कहां कहां पर लाया कर रहा है, ये हमारे एज के सेंटर्स पे, इस क्यूब के एज के सेंटर्स पे, और यहाँ पर Na जो है बॉडी के सेंटर पे भी लाया कर रहा है। सो ओवरऑल व्हाट वी हैव इज क्लोराइड आयंस 12 एट 12 कॉर्नर्स एंड 6 फेस सेंटर्स, और Na+ कहां पर होता है, 12 एज सेंटर्स पे और 1 बॉडी सेंटर पे। ये बात क्लियर है। देन अगर हम यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन देखें तो यार देखो, तुम क्लियरली इस मॉडल से देख सकते हो, जैसे अगर मैं इस वाले कॉर्नर को उठाऊं तो क्या ये कॉर्नर पूरा पूरा इस वाइट कलर का जो बड़ा सा यूनिट सेल है उसके अंदर लाया कर रहा है? नहीं, उसके अंदर नहीं लाया कर रहा पूरा पूरा, इसका बहुत ही एक छोटा सा फ्रैक्शन जो है वो इस यूनिट सेल के अंदर लाया कर रहा है। और इस अमेजिंग विजुअलाइजेशन से तुम ये देख सकते हो कि वो ऑलमोस्ट कितना पार्ट है, वो हमारे पास सिर्फ 1/8 पार्ट है, कॉर्नर का सिर्फ 1/8 पार्ट इस यूनिट सेल के अंदर लाया कर रहा है। सो लेट्स लुक एट दिस। कॉर्नर के अंदर तुम्हें पता है कि क्या होता है, कॉर्नर वाला जो होता है वो सिर्फ 1/8 देता है। सिमिलरली अगर देखो जो एज के सेंटर्स पे, ठीक है, ये हमारे सोडियम आयंस हैं, अगर इनको देखो ये एज के सेंटर्स पे हैं, इसका सिर्फ 1/4 पार्ट ही इस यूनिट सेल के अंदर लाया कर रहा है। जो हमारा बॉडी का सेंटर है उसका पूरा पूरा यहाँ पर लाया कर रहा है इस यूनिट सेल के अंदर। और जो फेस सेंटर है, देखो फेस सेंटर पे जो हमारे पास क्लोराइड आयन है उसका सिर्फ आधा वॉल्यूम ही इस यूनिट सेल के अंदर लाया कर रहा है, ठीक है, इस यूनिट सेल के अंदर सिर्फ आधा वॉल्यूम लाया कर रहा है और आधा जो है वो बाहर निकल रहा है। सो हम बोलते हैं कि यार यहाँ पर ये इनके नेट कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं, कॉर्नर वाले का 1/8, फेस सेंटर का आधा, एज सेंटर का 1/4 और बॉडी सेंटर का 1। और यहाँ पर हमने ये भी लिखा रखा है भाई जो क्लोराइड आयंस है वो तुम्हारे कॉर्नर फेस सेंटर पे हैं, और जो सोडियम आयंस है एज सेंटर बॉडी सेंटर पे हैं। अब मैं टोटल जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, इफेक्टिव नंबर ऑफ जो क्लोराइड आयंस यहाँ पर बनते हैं अलॉन्ग विद दिस कॉन्ट्रीब्यूशन, तो हम देखते हैं कि यार टोटल हमारे पास 4 बैठता है, 8 हमारे पास कॉर्नर्स होते हैं, हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8, और 6 फेस सेंटर्स होते हैं, हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2, टोटल मिला के 4। सिमिलरली सोडियम को देखोगे 12 जो एजेस होती हैं उनके सेंटर्स पे होता है, हर एक एज सेंटर वाले एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है हमारे पास 1/4 इनसाइड द यूनिट सेल, और एक बॉडी सेंटर पे होता है। तो टोटल मिला के हमारे पास Na+ के भी कितने आ जाते हैं, 4 यहाँ पर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स आ जाते हैं। नाउ लेट्स लुक एट दिस। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है उसके अंदर हम फर्दर एक चीज देख सकते हैं कि जो सोडियम प्लस आयन है, ठीक है, वो ये वाला एक क्लोराइड आयन, ये नीचे वाला क्लोराइड आयन, ठीक है, और बाकी जो हमारे एक प्लेन के अंदर लाए करने वाले फेस सेंटर्स हैं, ठीक है, एग्जैक्टली उनके बीच में लाया कर रहा है। नाउ अगर तुम ये वाला स्ट्रक्चर देखोगे कि एक क्लोराइड आयन ऊपर, एक क्लोराइड आयन नीचे, एंड बाकी के हमारे कहां पर लाया कर रहे हैं, बाकी के फेस सेंटर्स पे लाया कर रहे हैं। तो एसेंशियली वी आर सेइंग कि ये जो सोडियम आयन है, ठीक है, ये वाला जो हमारा सोडियम आयन है वो इन फेस सेंटर्स के एग्जैक्टली बीच में लाया कर रहा है। कितने फेस सेंटर्स हमारे पास, 6 फेस सेंटर्स हैं। अगर इस तरह से ये जो क्लोराइड आयन के 6 फेस सेंटर्स हैं इनको अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो तुम्हें पता है क्या बनता है, यहाँ पर हमारे पास एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट होता है, ठीक है। सो लेट्स लुक एट दिस। ये हमारे पास क्या क्रिएट हो रहा है, ये जो हमारे क्लोराइड आयंस हैं उनको अगर हम ज्वाइन कर दें कौन से फेस सेंटर्स वाले, तो इससे एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रन क्रिएट होता है। और अगर हम सोडियम आयन की बात करिए, सेंट्रल सोडियम आयन जो है वो एग्जैक्टली इसके बीच में लाया करता है। हेंस वी से कि जो सोडियम है एसेंशियली इन क्लोराइड आयन के ऑक्टाहेड्रल वॉइड में लाया करता है। और देखो ये बिल्कुल सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, जो एक सोडियम आयन पे वैलिड है वो एक्चुअली सारे सोडियम आयन पे वैलिड है, ठीक है, वो सारे के सारे सोडियम आयन पे वैलिड होगा, बिकॉज ये एक छोटा सा यूनिट सेल है जो पूरा पूरा स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर जो एटम्स होंगे आयंस होंगे वो उसके ऊपर आगे पीछे राइट, ठीक है, सब जगह और होंगे और बिल्कुल एक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूँ ये जो सोडियम है वो 6 क्लोराइड आयन को टच करता हुआ उसके ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर लाया कर रहा है, तो भाई ये वाला सोडियम आयन, ये वाला सोडियम आयन सब के सब हमारे कहाँ लाया करेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर लाया करेंगे। ये बात समझ में आती है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू एन अमेजिंग क्वेश्चन जो कि जेई एडवांस 2017 में पूछा गया था सिर्फ NaCl स्ट्रक्चर के ऊपर, कि NaCl का स्ट्रक्चर का हमारे पास एक आयोनिक सॉलिड है MX, ठीक है, उसमें अगर तुम चेंज करो तो तुम्हारे पास अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकल के आता है। सो यू कैन लुक एट दिस, यार इसमें अगर हम चेंजेस करें तो बहुत आसान से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये वाला एक बार क्वेश्चन हम देखते हैं। सो गाइस क्वेश्चन में बोला गया है कि रिमूव ऑल दी एनायंस एक्स एक्सेप्ट दी सेंट्रल वन। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर देखो नॉर्मली होता क्या है, नॉर्मली Na प्लस और Cl माइनस का जो मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर दिखाया उसके अंदर Na प्लस मैंने तुम्हें दिखाया कि हम यहाँ पर बॉडी के सेंटर पे जो है वो कंसिडर कर सकते हैं, जो ग्रे कलर का हमारे पास एटम है, ठीक है। बट इन्होंने जो हमारा फर्स्ट स्टेप बोला है वो ये बोला है कि रिमूव ऑल दी एनायंस एक्सेप्ट दी सेंट्रल वन। इसका मतलब ये जो हमें MX स्ट्रक्चर कंसिडर करने को बोल रहे हैं उसके अंदर जो ये X है वो किस पोजीशन पे रखते हैं, वो Na प्लस की पोजीशन पे यहां पर रख रहे हैं और जो M है वो Cl माइनस की पोजीशन पे रख रहे हैं। ये थोड़ा सा ट्विस्ट जो है वो जेई ने करके दिया है, जो कि जेई जो है हर क्वेश्चन के अंदर करता ही करता है। इस तरह के ट्विस्ट से ही आपका क्वेश्चन जो है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग बनता है। नाउ इफ यू लुक एट दिस कि भाई यहां पर बोल रहे हैं कि रिमूव ऑल दी एनायंस एक्सेप्ट दी सेंट्रल वन। देखो यहां पर इसके अलावा जितने भी एनायंस हैं वो निकालने को बोल रहा है। इसका मतलब देखो सारे के सारे एज सेंटर्स वाले हमारे निकाल दिए। देन सेकंड पॉइंट बोला है रिप्लेस ऑल दी फेस सेंटर कैटायंस M बाय एनायंस X। इसका मतलब देखो जो तुम्हें ग्रीन दिख रहे हैं, ठीक है, ग्रीन की जगह क्या लगाने को बोले हैं, जो भी फेस सेंटर के ग्रीन्स हैं उसकी जगह ये ग्रे वाले एटम्स लगाने को बोल रहे हैं, मतलब एक्स माइनस लगाने को बोल रहे हैं। देन रिमूव ऑल दी कॉर्नर कैटायंस M। फिर ये बोल रहे हैं भाई जो कॉर्नर वाले हमारे कैटायन M हैं उनको निकाल दो, ठीक है। एंड देन रिप्लेस दी सेंट्रल एनायन X विद दी कैटायन M। फिर ये बोल रहे हैं कि भाई ये जो सेंटर में X बचा हुआ था, ठीक है, तुमने जो एज सेंटर वाले एक्स थे वो तो निकाल दिए, सेंटर वाला जो था उसकी जगह एम लगा दो, ठीक है। अगर मैं तुम्हें यहां पर इसको मॉडल के थ्रू दिखाऊंगा तो देखो क्या होता है। अगर मैं सारे स्टेप्स जो हैं वो इस पे लगाता हूं मॉडल के ऊपर, द एंड रिजल्ट व्हिच आई गेट इज दिस, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है, बस इतना सही बचा। तो यू कैन लुक एट दिस कि भाई हमने जो M है पहले कॉर्नर और फेस सेंटर पे रखे हुए थे, देखो वो कहां पर आ गया है, वो M जो है हमारे पास कहां आ गया है, वो सेंटर पे आ गया है, और बाकी जो X थे वो कहां पर हैं। अब देखो ये जो पोजीशंस हैं ये अल्टीमेटली हमारे फेस सेंटर वाली पोजीशंस हैं, ठीक है। तो मैं देखो फर्स्ट सेकंड पॉइंट के अंदर बोला गया था कि जो X हैं वो तुम्हें कहां रखने हैं, वो तुम्हें फेस सेंटर्स पे रखने हैं। तो अगर अब मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पर नंबर ऑफ एनायंस एंड नंबर ऑफ कैटायंस कितने होंगे, तो बेस्ड ऑन दिस स्ट्रक्चर यू कैन से कि M जो है क्योंकि वो बॉडी सेंटर पे है वो पूरा पूरा उसके अंदर लाया कर रहा है, तो नंबर ऑफ कैटायंस तुम्हारे पास यहाँ पर 1 आया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर इनकी बात करूं एनायंस की, तो हमारे पास 6 एनायंस हैं जो कि फेस सेंटर पे लाए कर रहे, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन मुझे लेना होगा वो हाफ हाफ लेना होगा। एंड इफेक्टिवली यहाँ पर मेरे पास 6 जो फेस सेंटर्स हैं उसका हाफ कंट्रीब्यूशन लेके जो मेरे पास नंबर ऑफ एनायंस निकलते हैं वो सिर्फ 3 निकलते हैं। बात समझ में आई। तो दिस वाज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि सिर्फ NaCl स्ट्रक्चर के ऊपर जेई एडवांस के अंदर पूछा गया है। एंड नाउ फाइनली द रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ दीज आयंस एंड द एज लेंथ A एंड डायगोनल D। तो तुम यहाँ पर देख सकते हो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम शो कर रहे हैं कि भाई जो हमारे पास डायगोनल है दैट एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ 4RCl माइनस डिस्टेंस, ठीक है, जो हमारा क्लोराइड आयन का जो रेडियस होता है 4R माइनस वो होता है हमारे पास डायगोनल। और अगर मैं एज लेंथ को देखूं दैट कंसिस्ट ऑफ 2RNA प्लस 2RCl माइनस। तो ये भी तुम्हें ध्यान रखना होता है और ये हमारा फेस डायगोनल का जो नॉर्मल रिलेशन है दैट इज देयर। सो गाइस दिस वाज योर केमिस्ट्री शॉर्ट। NaCl का जो स्ट्रक्चर है वो हमने डिटेल में डिस्कस कर दिया। इसी तरह की तुम्हें अमेजिंग क्लासेस लाइव चाहिए हैं तो यू कैन कम टू द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म जो है उस पे तुम्हें इस तरह के बैच कोर्सेज हम देते हैं। इन बैच कोर्सेज के अंदर तुम्हारे कंप्लीट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की तैयारी करवाई जाती है, ठीक है, इंक्लूडिंग योर टेस्ट सीरीज, लाइव डी आउट क्लियरिंग सेशंस, और यहाँ पर बहुत सारे टॉप कोटा की फैकल्टीज भी अवेलेबल हैं। सो इफ यू आर थिंकिंग इन तुम टीयर 2 टीयर 3 सिटी में हो और तुम जाना चाहते हो कोटा सीकर फॉर प्रिपरेशन, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट कम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और यहाँ पर तुम्हें घर बैठे बैठे बेस्ट प्रिपरेशन जो है वो आईआईटी जेईई की करने को मिलेगी, ठीक है। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, जहां पर हम लाइव क्लास के साथ साथ तुम्हें इंटरैक्टिव वे में तुम्हारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। हम तुम्हें पोल्स एंड लीडर बोर्ड्स देते हैं जिससे कि अगेन तुम्हारा जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है वो इंक्रीज होता है, और टेस्ट सीरीज और एनालिसिस तो यार किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में डाउट क्लियरिंग सेशन जो हम दे रहे हैं वो लाइव देते हैं, ठीक है, एवरी फोर्थ क्लास इन अ बैच इज अ लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन। तो अगर तुम्हें अनअकैडमी ज्वाइन करना है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, यू कैन गो टू द अनअकैडमी ऐप, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, उसको इंस्टॉल कर सकते हो। एंड उसके बाद तुम्हें जाना है प्लस सेक्शन में, देन योर गोल विच इज IIT जेईई, उसके अंदर जाना है और फिर तुम्हारे पास सब्सक्रिप्शन लिंक जो आएगा उसमें तुम्हें देखने को मिलेगा दिस इज द फीस फॉर सब्सक्रिप्शन। अगर तुम देखोगे यार जो तुम्हारी 1 साल और 2 साल की फीस है, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे तुम्हें सब्सक्रिप्शन मिलेगा, ठीक है। और इसमें भी अगर तुम अनुपम लाइव कोड यूज करते हो, ये एक स्पेशल कोड है, इस कोड को यूज करने पर तुम्हें वहां पर फर्दर 10% डिस्काउंट और मिलता है, जिसके बाद जो तुम्हारी कॉस्ट है 1 साल की दैट इज जस्ट 27,000 एंड 2 साल की इट इज जस्ट 32,400। सो गाइस, दिस वॉज द शॉर्ट एंड वेट फॉर द नेक्स्ट शॉर्ट। इसी तरह शॉर्ट के अंदर तुम्हारी जो प्रिपरेशन है केमिस्ट्री की वो मैं करवाता रहूंगा। बाय गाइज।